जो इनके कान पे जू नहीं रह रही है। उड़ीसा के युवा जनता त्रस्त है, उसके खिलाफ आज इस तरह का अपराध बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, उसके खिलाफ आज युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौखट से लेकर कुर्सी तक लाएंगे। जो हमारी बात जिस तरह की हत्याएं और बलात्कार हो चाहे, इस तरह की घटनाएं बढ़े जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री है ही नहीं उड़ीसा में, वो मुंबई बैठे, असेंबली चल रही है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह सरकार चला कौन रहा है, आज उड़ीसा के युवा पूछ रहा है कि सरकार चला कौन रहा है। मुख्यमंत्री जी तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो सो रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। तो उसके खिलाफ आज विधानसभा घेराव करने युवा मोर्चा कार्यकर्ता जा रहे हैं। विधानसभा चल रहा है, मुख्यमंत्री उड़ीसा में नहीं है। देखिए वही तो विधानसभा चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है। आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के माता बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज युवा मोर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष राशिष आचार्य जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा आज आंदोलन कर रहा है। रोजगार के लिए यहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ जहाँ तक युवाओं के रोजगार की बात है, मुख्यमंत्री जी खुद के जिले से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। ये युवा मुख्यमंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए। आज देश के सबसे ज्यादा पलायन वहीं से क्यों हो रहा है, उनके जिले से सबसे ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है? आज युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। आज उन्होंने कहा था उड़िया यूनिवर्सिटी खोलेंगे, 5 साल हो गए, कहाँ है वो यूनिवर्सिटी? तो युवा पूछ रहा है कि एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो लगातार चाहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, आज यहाँ पर बनाने में लगे हैं, रोजगार देने, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी और अपराधी जो है वो मस्त है और जनता जो है त्रस्त है।